ये है निखिल शर्मा, पॉपुलरली नोन एज मुंबई का निखिल। आज से 5 साल पहले ही वॉज डोमिनेटिंग द इंडियन ब्लॉगिंग कम्युनिटी। वो कई न्यू ब्लॉगर्स के लिए इंस्पिरेशन थे, यहाँ तक कि वो यूट्यूब इंडिया के पॉपुलर मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स की लिस्ट में आते थे। बट करंटली सिचुएशन बिल्कुल ओपोजिट है। आज के टाइम पे उनके खुद के व्यूअर्स उनकी वीडियोस नहीं देखना चाहते, कुछ ही व्यूअर्स बचे हैं जो कि उनको रेगुलरली वॉच करते हैं। बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुंबई के निखिल एक टाइम पर तो काफी पॉपुलर हुए बट अचानक वो इरेलेवेंट होने लग गए? एक्चुअली व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इरेलेवेंसी ऑफ मुंबई के निखिल? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर मुंबई के निखिल यूट्यूब पर इतने सक्सेसफुल क्रिएटर कैसे बने थे। मुंबई के निखिल यूट्यूब पर काफी टाइम से, लाइक आज से 9 साल पहले, कई लोगों ने तो उस टाइम पर यूट्यूब का नाम तक नहीं सुना था। एंड 3 जुलाई 2013 को यूट्यूब पर एक चैनल रजिस्टर होता है बाय द नेम ऑफ मुंबई के निखिल। एंड वो अपने चैनल पर शुरुआत से रैंडम बाइक वीडियोस डालने स्टार्ट कर दिए, जिसमें कभी राइड कर रहे हैं एंड कुछ एक्सपेंसिव बाइक रिव्यूज दे रहे हैं, बाइक ट्रिप्स हो रही है एंड कभी बाइक रेसेस। और ये हमारा फाइनल लैप खत्म हो गया है। कसम से यार, ऐसी बैंड बजती है, इतना थक गया हूँ। उन्होंने ओवरऑल मोटो व्लॉगिंग से शुरुआत की थी। उन्होंने धीरे धीरे फेस कैम वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर दी एंड मोटो व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखा, जिसमें उनके फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स होती, उनकी हाईफाई लाइफस्टाइल, ये सब पहले यूट्यूब पर और कोई नहीं कर रहा था। और मुंबई के निखिल को ये काफी बढ़िया एडवांटेज मिला था। रियल व्लॉग इंडिया में अगर किसी ने दिए हैं तो वो मुंबई करने के। उनके YouTube करियर के 3 सालों में उनका फैन बेस बनना शुरू हो गया। उनके सब्सक्राइबर्स काउंट तो मानो अच्छे खासे बढ़ रहे थे। मुंबई के निखिल को लिटरली ये नहीं पता था कि उनकी ये चीज वर्क करने वाली है, बट फॉर्चुनेटली वो वर्क कर जाती है। निखिल इज द टॉप, निखिल इज ऑन द टॉप। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज़ ही इज ओवर हियर, बिकॉज़ ही इज वेरी फेमस। इन 2017 के आते-आते मुंबई का निखिल एक ऐसे क्रिएटर बन चुके थे जो YouTube पर काफी सक्सेसफुल हो रहा एंड पूरी व्लॉगिंग कम्युनिटी को डोमिनेट कर रहा। धीरे धीरे उनके फैन मीटअप्स होने लगे एंड यहाँ तक कि उनके चैनल की ग्रोथ भी काफी रैपिडली होने लगी। उनके चैनल पर डेली थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स इंक्रीज होते थे, मिलियंस में व्यूज आने लगे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, इस टाइम तक मुंबई के निखिल की पूरी लाइफस्टाइल बदल गई थी। उनको यूट्यूब फैन फेस्ट में बुलाया जा रहा था। उनकी फ्रेंडशिप कई सारे ओजी क्रिएटर्स के साथ हुई। भुवन बाम, कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड यहाँ तक कि 2020 तक आते आते मुंबई के निखिल ने 3 मिलियन का माइलस्टोन भी हिट कर लिया था। एंड लॉकडाउन की वजह से उनके चैनल पर और ज्यादा ऑडियंस है, बट ओवरऑल सिचुएशन इसी बीच बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी। इस टाइमलाइन के बीच में उनकी रेप्यूटेशन काफी बिगड़ चुकी थी। इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई कि तुम सोच नहीं सकते। पहली कॉन्ट्रोवर्सी हुई मुंबई का निखिल और योर इंडियन कंज्यूमर के साथ में। ये दोनों ही क्रिएटर्स उस टाइम पर ब्लॉगिंग सीन में काफी पॉपुलर थे एंड UIC का भी उस टाइम पर काफी अच्छा फैन बेस था। एंड उस टाइम पर मुंबई का निखिल एंड UIC ने साथ में मिलकर कुछ ब्लॉग्स भी बनाए थे। इन दोनों ही क्रिएटर्स के रिलेशन काफी सही थे, बट मुंबई का निखिल ने कुछ टाइम बाद एक ब्रांड कैंपेन प्रमोट किया था, जिद्दी हूं मैं बाय मसल ब्लेज। एंड UIC का भी एक ब्रांड था, उम्मीद नहीं जिद होनी चाहिए, जिसमें UIC ने क्लेम किया था कि जिस ब्रांड के साथ मुंबई का निखिल ने कॉलैब किया है उस ब्रांड ने उनकी ब्रांड से टैगलाइन चुराई जो कि थी जिद। और इस टैगलाइन को प्रमोट करने के लिए UIC ने काफी मेहनत की थी और उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने इस ब्रांड को आके प्रमोट ही क्यों किया। और इस बात पर काफी ह्यूज कंट्रोवर्सी हो गई जिस वजह से दोनों के रिलेशंस काफी खराब हो गए। मुंबई का निखिल और UIC की ऑडियंस काफी सिमिलर थी उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर कुछ ही ब्लॉगर्स थे जो कि लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करते थे, जिनमें से ये 2 क्रिएटर्स भी थे, जिसकी वजह से दोनों की ऑडियंस डिवाइड हो गई थी। और इसकी वजह से मुंबई का निखिल को काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला अपने चैनल पर। और UIC ने ये क्लेम किया कि मुंबई का निखिल ने आखिर ऐसे ब्रांड को प्रमोट क्यों किया जो कि ऑलरेडी कॉपीड है किसी ब्रांड से। बट इसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी मुंबई के निखिल की, उसके बाद उन्हें ऑडियंस की तरफ से काफी बैकलैश मिला था। बट आखिर मुंबई के निखिल ने ऐसा क्या किया था? आज से कुछ साल पहले पापा ऑगस्ट ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने ब्लॉगर्स की हिपोक्रेसी के बारे में बात किया था। और उस वीडियो के एक सेगमेंट में मुंबई का निखिल का भी एक पार्ट था और वो सेगमेंट मुंबई का निखिल को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके बाद पापा ऑगस्ट की उस वीडियो को मुंबई का निखिल ने टेक डाउन कर दिया बाय यूजिंग कॉपीराइट टूल जो उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, जिसके बाद तो उन्हें काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। साइमन सेज, डैंक रिशू, सुन रहे भी, इन सभी क्रिएटर्स ने मुंबई का निखिल के अगेंस्ट वीडियो बनाए थे।
एंड वो ओवरऑल फर्स्ट चुके थे। एंड इस कंट्रोवर्सी ने मुंबई का निखिल की इमेज बहुत खराब करी थी, बट स्टिल ये वाली कंट्रोवर्सी का एक एंड होता है एंड वो अपनी क्लोथिंग ब्रांड ओपन करते हैं बाय द नेम ऑफ MN एंड उनकी इस क्लोथिंग ब्रांड को काफी क्रिटिसिज्म मिला। और बड़ी बात तो तब हो गई जब मुंबई का निखिल का पूरा ब्रांड एक्सपोज हो गया और तब पता लगा कि मुंबई का निखिल का क्लोथिंग ब्रांड किसी इंस्टाग्राम पेज से कॉपीड है। बट ये कंट्रोवर्सी अचानक से खत्म हो गई एंड देन इसी तरह वो एक और कंट्रोवर्सी में फंसते हैं जिसमें वो बॉलीवुड को ड्रग्स पर डिफेंड कर रहे होते हैं एंड इस पर भी उन्हें काफी क्रिटिसिज्म मिला। देन इसी तरह एक लॉकडाउन कंट्रोवर्सी जिसमें वो अपने सब्सक्राइबर्स से झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन फिर जब वो फुटेज रिव्यू कर रहा होता तो देन एक वैक्सीनेशन कंट्रोवर्सी हुई जो कि पीपो और मुंबई के निखिल के बीच में हुई जिसमें मुंबई का निखिल ने बोल दिया था कि उन्हें इंडियन वैक्सीनेशन नहीं लेनी। बहुत जल्द कराने का सोच रहे हैं, एक्चुअली हम लोग वेट करें फाइजर के लिए, अगर फाइजर मिलता है तो वो लेंगे तो लास्ट 2 महीने तक का मैं और वेट कर सकता हूं। एंड ये एक ह्यूज ड्रामा क्रिएट हो गया था जिसमें मुंबई का निखिल ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था लेकिन थंबनेल में ऐसा डाल के आई डोंट ट्रस्ट इंडियन वैक्सीन, मुंबई का निखिल सेज दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ये वैक्सीन अच्छी। बट इस कंट्रोवर्सी में पीपो ने कई सारे पॉइंट्स रखे जिसकी वजह से मुंबई के निखिल को उस टाइम पर काफी हेट मिला ऑडियंस की तरफ से। बट उसी के बाद उनका फ्रेंड भी उनकी टीम को लीव कर देता जिसका नाम था वसीम शेख जो कि उनके व्लॉग्स में काफी ज्यादा फीचर होता था। वो एक दिन मुंबई का निखिल की टीम को लीव कर देता जस्ट बिकॉज उनके कुछ फैमिली रीजंस थे एंड उसके बाद मुंबई का निखिल भी उस पर रिएक्ट करते हैं। बट ऑडियंस को ये बिहेवियर मुंबई का निखिल का काफी इगोइस्टिक और रूड लगा, दैट्स व्हाई वसीम के लीव करने पर उनके चैनल पर एक और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद मुंबई के निखिल की ऑडियंस एंड कई क्रिएटर्स के सामने उनकी इमेज काफी खराब हो गई एंड इन कंट्रोवर्सीज के कारण उनके चैनल की रैपिड ग्रोथ के बीच में उन्हें एक डिक्लाइन देखने को मिला। उनकी पर्सनालिटी एक ऐसे पर्सन की तरह बन गई थी जिसमें काफी ईगो है और सिमिलर केस हुआ था सौरव जोशी जैसा, उन्हें भी एटीट्यूड वाला टैग मिल गया। बट उन्होंने धीरे धीरे अपने कॉन्टेंट को भी शिफ्ट कर लिया था, उन्होंने शुरुआत मोटो ब्लॉगिंग की थी बट उन्होंने बाद में कॉन्टेंट को स्विच करके लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में शिफ्ट कर लिया। आज साला लेग डे है और ऐसे मौसम में लेग डे मारना मतलब, लेकिन नहीं, माइंड को पहले रेडी करने का, पॉजिटिव करने का, लेग डे वाह। बट लाइक उनका कंटेंट बोरिंग होने लगा एंड रिपीटेटिव होने लगा एंड कुछ व्लॉग्स तो इवन वियर्ड भी होने लगे जैसे बेबी डिलीवरी व्लॉग, शॉपिंग व्लॉग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो चीज देखने के लिए ऑडियंस ने उन्हें सब्सक्राइब किया था वो चीज के वो बिल्कुल ही ऑपोजिट चले गए। लाइक उनका नीच को चेंज करना एक बहुत बढ़िया डिसीजन था बट इसने उनके चैनल को और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दिया। बट ऑल्सो मुंबई का निखिल का भी कुछ चीजों में फॉल्ट नहीं है, लाइक ऑडियंस को आज के टाइम पे कई सारे ऑप्शन मिल गए, लाइक डेली व्लॉगर्स में कई सारे क्रिएटर्स है, मोटो व्लॉगिंग में कई सारे क्रिएटर्स एंड यहाँ तक की अब तो फूड ब्लॉगर्स भी, मिनी व्लॉग्स भी हैं। और आज के टाइम पे व्लॉगिंग जोनरा काफी यूज हो चुका है एंड वैसे भी एक टाइम आता है जब ऑडियंस एक डेली व्लॉगर की लाइफस्टाइल को देखना बंद कर देते हैं एंड यही हुआ मुंबई के निखिल के साथ। उनकी डेली लाइफ में कई सारे चेंजेस हुए, लाइक उन्होंने शुरुआत किसी और टाइप के कंटेंट से की बट वो उसी सेम टाइप के कंटेंट को हमेशा कंटिन्यू करते रहे ऐसा कोई क्रिएटर नहीं चाहे एंड यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से आज मुंबई के निखिल की ग्रोथ एकदम रुक चुकी है और आज के टाइम उनके खुद के व्यूवर्स उनको देखना पसंद नहीं करते। आज के टाइम पे मुंबई का निखिल का उन पॉपुलर व्लॉगर्स के साथ चैनल इसलिए कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपनी वीडियोस में सुपर कार्स नहीं बता रहे, अपनी वीडियोस में वो एक्सपेंसिव चीजों का शो ऑफ नहीं कर रहे जो कि आज के टाइम पे काफी व्लॉगर्स कर रहे हैं, अपनी वीडियोस को ड्रामेटाइज करना। और ये भी एक रीजन है कि उनके चैनल को एक इम्पैक्ट पड़ा, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह रहा हूं बट जो व्लॉगिंग जॉनरा के ऑडियंस है वो आजकल के व्लॉग्स में महंगी चीजें देखना, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल देखना ये सब ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और मुंबई के निखिल के व्लॉग्स में ये सब नहीं है, वो जो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल बता रहे जिसमें कभी कभी वो कार्स को शो करते हैं बट वो काफी कम ही होता है जिस वजह से भी वो न्यू व्लॉगर्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा। अब इसमें मुंबई का निखिल सही है या गलत वो तो मैं नहीं बता सकता बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो इतने टाइम से व्लॉगिंग कम्युनिटी में बट स्टिल उनकी काफी रेस्पेक्ट है। YouTube ना व्यूज का गेम नहीं है, YouTube ना एक लेगेसी का गेम है। ये दो ऐसे बंदे ना जिन्होंने अपनी लेगेसी ऑलरेडी स्टेबल कर रखी है, मेरा नाम उसमें से मुंबई का निखिल है, दूसरा उसमें से फ्लाइंग बीज भैया। एंड आज के टाइम पे मुंबई का निखिल के 5 लाख व्यूज भी मुश्किल से क्रॉस होते हैं बट स्टिल मुंबई का निखिल डूइंग ग्रेट। वो आज भी अपने चैनल पर काफी कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लाइक डेली व्लॉगिंग करना कोई आसान बात नहीं और वो डेली व्लॉगिंग कई सालों से कर रहे हैं, सो हैट्स ऑफ टू हिम। एंड डेली व्लॉगर के लाइफ में यही प्रॉब्लम्स है कि उनकी लाइफ में डेली कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा बट उन्हें डेली उसे इंटरेस्टिंग वे में सर्व करना ही होता जिसमें ऑब्वियसली कई सारी चीजें होंगी जो कि नेगेटिव होंगी बट ऑल्सो कई चीजें होंगी जो कि पॉजिटिव भी होंगी। एंड मैं तो चाहता हूं कि मुंबई के निखिल वापस से रेलेवेंट हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि मुंबई का निखिल वापस से रिलेवेंट हो पाएंगे अपने YouTube गेम में या फिर नहीं, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी तो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियो दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर के वॉच कर सकते हो।